Okay, good morning students. This video is for the students of class 3rd. Okay, and the subject is computer and we are studying the chapter number 5 and the name of the chapter is Wattpad. So all students, please open the page number 49 to understand the chapter very easily. Okay, Wattpad. Let's look at this. Look on the board. Wattpad is a word processor in which words are processed and the words are made to look beautiful and stylish. Wattpad क्या है? ये word processor program है. Wattpad क्या है हमारा? Word processor program है. जिनमें क्या है? Word को क्या process किया जाता है? और उसके बाद the words are made to look और उसको हम लोग क्या है? Beautiful, stylish और attractive बनाते हैं. कलर फॉन्ट का यूज करके, बोल्ड का यूज करके, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज करके, ठीक है? तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है वर्डपैड. देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है वर्डपैड को कैसे स्टार्ट करना है, मेन कंपोनेंट वर्डपैड के बारे में जानना है, किसी भी टेस्ट को कैसे इंटर करेंगे या किसी भी फाइल को सेव कैसे करेंगे वर्डपैड में या सेव किया हुआ फाइल को कैसे ओपन करेंगे, हम लोग को इस चीज को जानना है इस चैप्टर में. सबसे पहले जानेंगे हाउ टू स्टार्ट वर्डपैड. आप लोग पेज नंबर 49 में देख रहे हो, कह रहा है फॉलो दिस स्टेप टू ओपन वर्डपैड प्रोग्राम. वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, फोर स्टेप्स, उसको फॉलो करने के लिए कह रहा है. तो सबसे पहले क्या है, हम लोग को स्टार्ट मेन्यू जो सबसे नीचे बॉटम साइड लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे. जैसे ही स्टार्ट मेन्यू क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक पॉप अप मेन्यू खुला हुआ दिखेगा और उस पर हम लोग क्या कर देंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे. जैसे ही हम लोग ऑल प्रोग्राम के पास जाएंगे, एरो मार्क होगा, वहां पर माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे तो फिर एक और मेन्यू खुल जाएगा, सब मेन्यू खुलेगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पर जाकर एक्सेसरीज को सेलेक्ट करेंगे. किसको सेलेक्ट करेंगे? एक्सेसरीज, Accessoriesठीक है, एक्सेसरीज को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही वहां पर जाएंगे तो फिर एक बहुत सारा पॉपअप मेन्यू खुलेगा. एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा जिसमें रहेगा नीचे में वर्डपैड. वर्डपैड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये वर्डपैड नीचे जो स्क्रीन दिख रहा है ये खुल जाएगा, ठीक है. अब देखो जब खुलेगा तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं. सेकंड पिक्चर पेज नंबर 50 में ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो, ये खुल जाएगा, ठीक है. अब इसके कंपोनेंट को जानते हैं. इसके कंपोनेंट में वर्डपैड बटन होते हैं, टाइटल बार होते हैं, क्विक एक्सेस बार होते हैं, टैब होते हैं, इंसर्शन पॉइंट होते हैं, आपके बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कहाँ कौन सा वर्डपैड बटन कहाँ होता है, इंसर्शन पॉइंट कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, टाइटल बार, टैग या रिबन कहाँ होता है, ठीक है. तो वर्डपैड बटन में डिस्प्ले एक ड्रॉप डाउन मेन्यू और फाइल कमांड. वर्डपैड बटन क्या होता है, सपोज करो फाइल कमांड, उस पर क्लिक करोगे तो आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, स्टोर, ये सबका ऑप्शन मिलेगा. टाइटल बार क्या होता है भाई, टाइटल बार आपके फाइल का नाम सबसे ऊपर में शो करता है, ठीक है. अगर आपने फाइल सेव रखा कर रखा है, सपोज मैंने अपने नाम से सेव कर रखा है अविनाश, तो वहाँ अविनाश लिखेगा, ठीक है. क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है क्विक एक्सेस, मतलब तुरंत करने का, सेव, अंडो, रीडो सबका बना हुआ रहता है ऑप्शन, ठीक है, छोटा छोटा बना रहता है. और टैब क्या होता है, दो टैब, एक होम टैब और व्यू टैब होते हैं. होम टैब का तो सामने ही ओपन आप लोगों को दिख रहा है, ये जो भी ओपन है ना ये होम टैब में है, ठीक है, ये सब रिबन जितने हैं ये होम टैब में है. और उसके व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो फिर ये बदल जाता है, ठीक है. इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, ये फ्लैशिंग लाइन होता है, यहाँ फ्लैशिंग जो ब्लिंक करते रहता है, ये लाइन देख रहे हो ना, ये इंसर्शन, ये ब्लिंक करते रहता है, ठीक है. जहाँ पर आप कुछ भी टाइप करते हो, जो भी सपोज यहाँ टाइप करें, यहाँ ले आए, यहाँ पर ये ब्लिंक करते रहेगा, ठीक है. अब देखो क्या कह रहा है, हाउ टू इंटर टेस्ट, कैसे किसी भी टेस्ट को इंटर करेंगे. तो कह रहा है इंसर्शन पॉइंट के बारे में अभी जस्ट बताया है आप लोगों को कि वो कर्सर आपका ब्लिंक करते रहता है, तो वहां पर एक बार फिर से माउस पर क्लिक कर दोगे उस एरिया में और जो कुछ भी आप टाइप करोगे वहां पर टाइप करना होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. बात होगी जब टाइप कर ली, कुछ भी लिख ली, तो बात होगी सेव करने की. उस डाटा को सेव करोगे फ्यूचर में देखने के लिए. तो हाउ टू सेव योर डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव योर डॉक्यूमेंट. सेव करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आपको क्या करना है, वर्डपैड बटन पे जाना है, ठीक है, क्लिक ऑन सेव पर क्लिक करना है. नहीं तो एक और ऑप्शन है, अगर करना चाहते हो तो कीबोर्ड की मदद से CTRL कंट्रोल प्लस एस दबा दो. कंट्रोल प्लस एस दबाओगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा,
नहीं तो फाइल मेन्यू पर जाके सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दो तब भी आपका एक सामने बॉक्स अपीयर हो जाएगा वहां पर। यहाँ देखो यहाँ स्टेप थ्री में कह रहा है अपना फाइल का नाम लिखिए, फाइल का नाम लिखने के बाद स्टेप फोर में यहाँ पर सेव ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए, इंटर दबा दीजिए, आपका उस फाइल के आपका वो फाइल आपके जिस नाम से आपने सेव किया उस नाम से सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर में अगर आपको जरूरत है उस फाइल को दोबारा खोलने के लिए हाउ टू ओपन सेव डॉक्यूमेंट, तो आप जब भी वर्डपैड खोलोगे तो वर्डपैड में जाओगे फाइल मेन्यू पर तो ओपन ऑप्शन आएगा, ओपन ऑप्शन नहीं भी आएगा तो आप कंट्रोल प्लस ओ कर सकते हो, ये शॉर्टकट कमांड है ओपन का, ये शॉर्टकट कमांड है सेव करने का, ये ओपन करने का, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करोगे एक मेन्यू आएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपने जो फाइल बनाया था आपने उसको सेव कहाँ किया है, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, या वर्डपैड में, या डेस्कटॉप में कहाँ पर सेव किया है। आप उस जगह को डिजायर्ड प्लेस को सेलेक्ट करोगे और वहाँ पर अपना फाइल आपका नेम आएगा उस पर क्लिक करके ओके करोगे, ओपन करोगे तो फिर वो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। यही है हमारा चैप्टर वर्डपैड और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।